नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह में आप सभी संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पूरी देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरी देखना वीडियो। बस अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो जो आपकी मर्जी वो करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे का बटन ऑल पे कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसे ही आए ऑन द स्पॉट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो है एक मूवी के बारे में जिसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन बैड कास्टिंग होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है फिल्म वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। फिल्म का नाम है मिस्टर मम्मी। ये रितेश देशमुख, जलिया डिसूजा, महेश मांजरेकर, ईला अरुण और राकेश बेदी की एक बहुत शानदार फिल्म है। शानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल्म देखते हुए बोरिंग नहीं लगा, मज़ा आया। इसका म्यूजिक भी अच्छा है, इसके गाने आप देखेंगे, एक गाना तो इसमें बड़ा सुना हुआ है, मैं गाने के बोल भूल रहा हूँ, दिल गलती कर बैठा है, हाँ दिल गलती कर बैठा है गाना सुना हुआ है। बाकी गाने भी मुझे फॉरवर्ड करने का मन नहीं किया, इसका मतलब ये गाने अच्छे हैं। अगर कोई गाना आप सुन रहे हैं और आपको उसको सुनने का मन कर रहा है, उसको भगाने का मन नहीं कर रहा है, तो गाने अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है इसका। हाँ, इसकी जो स्क्रीन प्ले था वो अच्छा हो सकता था, इसकी कास्टिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। रितेश देशमुख का तो मुझे सही लगा, जलिया डिसूजा की जगह कोई और हो सकता था। और वैसे देखिए, मैं ना रितेश देशमुख के खिलाफ हूँ ना जलिया डिसूजा के खिलाफ हूँ, इन लोगों ने भी सही काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे तो एंड में आपको दोनों ने अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाला है या जो भी डाला है आंसू निकालने के लिए, ऐसे निकाले, लेकिन मुझे वो जेन्युइन लगी एक्टिंग। आप अगर इसके रिव्यू जाके देखेंगे तो आपको इसका एक स्टार, आधा स्टार, आधा स्टार तो दिया नहीं जाता, एक स्टार, डेढ़ स्टार, दो स्टार ऐसे दिए हुए दिखाई देंगे। IMDB पे इसकी जो रेटिंग है 10 में से 1.5 स्टार है, तो इतनी गलत रेटिंग है तो जाहिर सी बात है लोगों ने देखा है, फिर लोगों ने इसको सही से रेट किया नहीं है। हालांकि रितेश देशमुख ने अपनी जी जान लगा के कोशिश की कि लोगों को हंसा सके, किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे तो हंसाने में काम है आपके। मैंने तो अब ये मत देखने बोलने लगना कि मैं करंज देखता हूँ, करंज नहीं देखता हूँ, मुझे अच्छी लगी फिल्म, चाहे उसकी स्टोरी अच्छी थी इस वजह से अच्छी लगी, लेकिन अच्छी लगी। कहानी ये है कि एक हस्बैंड है जिसको बच्चे नहीं पसंद है बिल्कुल भी, दूसरे के बच्चों से नफरत करता है जैसे राउडी राठौर में अक्षय कुमार करता था। एक लड़की है जिसको बच्चे करने हैं, लेकिन उसका हस्बैंड को, उसके हस्बैंड को बच्चे नहीं पसंद है, इस वजह से वो क्या है बच्चे नहीं करना चाहती है। आ जाए, इसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। इसका नाम है सोना और ये बहुत छोटी सी लड़की है, अभी बहुत शैतानी करते हैं ये, इसके मन का कुछ ना दो तो ये उल्टी कर देती है, मोमोज दो तो ये 12, 13, 14, 15 मोमोज भी खा जाती है, लेकिन इसको मोमोज ज़्यादा दिए नहीं जाते हैं, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे सब ला के रख दो, तो जब तक जितने ला के रखे हुए इसके सामने इसके हिस्से के वो सारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक मानती नहीं है। अभी देखो कैसे इनोसेंट बन के बैठी हुई है, ठीक है, अभी ये बोलनी है मामा घर जाना है तो मैं इसको घर भेजूंगा नहीं, ये इधर ही सोएगी, क्योंकि ये हमारी लड़की है, ये उधर तो इसकी बुआ रहती है, तो ये अभी इधर ही सोएगी, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, तो कहानी यही है, उसको बच्चा करना है, इसकी वाइफ को, इसको बच्चा नहीं करना है, तो अब बाई मिस्टेक कैसे भी करके क्या होता है इनके वो दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब यही कहानी है कि बीवी तो प्रेग्नेंट होती है चलो ठीक है, लेकिन हस्बैंड कैसे प्रेग्नेंट हो गया, और उसको काफ़ी दिन तक पता नहीं लगता है, लेकिन जब पता लगता है तो फिर उसकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। वो बच्चों से नफरत करता था, अब एक बच्चा उसके पेट में पल रहा है। महेश मांजरेकर ने इसी फिल्म में करेक्टर प्ले किया है डॉक्टर सस्तंगी का। ईला अरुण रितेश देशमुख की माँ बनी है और राकेश बेदी जलिया डिसूजा के पापा बने हैं। महेश मांजरेकर का भी डबल रोल है इसमें फिल्म में, और एंड में कहानी कुछ और ही निकलती है। मैं एंड भी स्पॉइल करूंगा, ठीक है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे मूवी आ चुकी, नहीं करूंगा स्पॉइल। एंड में कहानी कुछ और निकलती है जो आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखो मूवी, मैंने सिनेमा हॉल्स में नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पे देखी है, तो आपको पता लगेगा वो कुछ कुछ होता है कुछ कि क्या है, मतलब एंड में ट्विस्टेड है कहानी। तो कहानी यही है कि अगर इसमें किसी नए जोड़े को ले लेते जो फ्रेश फेस होते तो शायद ये मूवी ज़्यादा चल सकती थी, क्योंकि रितेश देशमुख और जलिया डिसूजा को लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, उनकी एक्टिंग भी देख चुके हैं, उनको देख चुके हैं। रितेश देशमुख बाकमाल एक्टर भी हैं, ऐसी बात नहीं है,
अपना अपना वो क्या है, हनी है तो मनी, नहीं 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 वो है तो जिसमें दिल में बजी गिटार गाना है ना, जो क्या नाम है उस मूवी का, अपना सपना मनी मनी, हाँ वही है। तो उसमें एक्टिंग देखो आप रितेश देशमुख की, जानदार एक्टिंग है। अब यही वजह है कि लोगों को पसंद नहीं आई फिल्म की, रितेश देशमुख और जूलिया डिसूजा को उसमें लिया गया। इसमें कोई फ्रेश फेस हो सकता था और पिक्चर अच्छी जा सकती थी। इसकी कंट्रोवर्सी भी है, बिक्की पेट से है, बिक्की डोनर का अगला पार्ट आने वाला था, बिक्की पेट से है, जिसमें आयुष्मान खुराना इस रोल को प्ले करने वाले थे रितेश देशमुख को। और जो जिसने ये स्टोरी लिखी थी उसने बोला भी है कि उसको इसके ड्यू नहीं मिले, उसको उसको पैसा नहीं मिला पूरा, और इस पर हल्की कंट्रोवर्सी भी थी। लेकिन जो भी है, रितेश देशमुख ने फिल्म की, मुझे मजा आया देखने में फिल्म। ओवरऑल मैं 3 स्टार दूंगा, और 5 में से 3 स्टार गड़बड़ नहीं होते, 10 में से तो 3 स्टार बहुत कम होते, लेकिन मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा, ठीक है। और 3 स्टार अच्छे होते हैं क्योंकि स्टोरी ठीक है। अब किसी से कॉपी किए नहीं किए वो मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, लेकिन ठीक पिक्चर है, देख सकते हैं। वन टाइम वॉच है, आपको इतना बोर नहीं करेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी है नहीं, 90 मिनट की फिल्म है, 1 घंटा 37 मिनट, ठीक है। लखन पाल और सत्संगी डॉक्टर का करेक्टर प्ले किया महेश मांजरेकर ने। तो हम अपना रिव्यू यहीं ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले रिव्यू में या अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हो, नमस्ते कर, नमस्ते बोलो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। Ha 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 ha!